हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल स्टडी चैनल में सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गतिमान एक्सप्रेस। जो सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो गतिमान एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्मों वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हावड़ा। देखिए, सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों वाला प्लेटफॉर्मों वाला रेलवे स्टेशन जो है वो है हावड़ा का। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो ये दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1885 में। कांग्रेस दल की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा पांचवा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मात्रक होता है ए, वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है छठा, चूने का पानी है, तो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है सातवा, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो बाजरे की फसल जो काटी जाती है, ये काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सात आठवा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये थे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है नवा, केरल में एक इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पेरियर। अगला क्वेश्चन है दसवा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये देखिए आयतन पर भी निर्भर करती है, दाब पर भी निर्भर करती है और ताप पर भी निर्भर करती है, तो ये सभी पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी पर। अगला क्वेश्चन है ग्यारहवा, सेल संबंधित है, तो देखिए सेल किससे संबंधित है, सेल जो संबंधित होती है स्टील उत्पादन से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है बारहवा, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एकल अर्थव्यवस्था नहीं है, पारिवारिक भी नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है, तो पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है तेरहवा, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है, तो ये देखिए ये देता है महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौदहवा, ज्ञानपीठ 2017 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कृष्णा सोबती को। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो कृष्णा सोबती को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंद्रहवा, रोजगार गारंटी कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो पंद्रहवें का आंसर है देखिए बी, 2005 में रोजगार गारंटी कानून अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है सोलहवा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में शेयर बाजार का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है सत्रहवा, यरूशलम विवाद किस देश से संबंधित है, तो ये है इजराइल से। ऑप्शन सी इजराइल से यरूशलम विवाद जो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अठारहवा, गुजरात में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या क्या है, तो अट्ठारहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 26। गुजरात में लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो 26 हैं। फिर 19वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 19वां, देखिएगा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो देखिए देवधर जो ट्रॉफी है ये जो संबंधित है ये है क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 20वां और 21वां, भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो देखिए 20वें का आंसर हो जाएगा ओखा, पश्चिमतम रेलवे स्टेशन जो है वो ओखा है। और अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।